Practical number 37 is, write a program that takes a number as input and prints its binary representation. इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज, अगर फॉर एग्जांपल मैं यूजर से नंबर लूँ और वो 5 एंटर कर दे, तो 5 को डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू रिपीटेडली डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही करते हैं ना हम, और करते क्या हैं कि जो रिमाइंडर्स होते हैं वो उसके आंसर के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जब डिवाइड कर रही हूँ, अब ये जो है नंबर अब 1 हो गया ना, छोटा हो गया, अब तो नहीं जाएगा 0, और इसके पीछे क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1। अगर आप इसको ऐसे भी डिवाइड करके देख लें तो आपको पता लग जाएगा 20 टाइम इज 0 और नीचे आएगा 1, ठीक है। तो यही रिमाइंडर हमने लास्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब तो जो मैं आपको करके बता रही हूँ वो ये आपने करना है, एक आपने लेनी है अरे, ठीक है। अब अरे के अंदर हम सेव क्या करवाएंगे, ये सेव कराएंगे रिवर्स ऑर्डर में, हम पहले फिल कराते जाएंगे इस ऑर्डर में अरे के अंदर और प्रिंटिंग रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे, ठीक है, ये जो रिमाइंडर्स हैं। और आपको पता है रिमाइंडर हमारे पास आते कैसे हैं, हम क्या काम करेंगे, एन का मॉडुलस लेंगे 2 के साथ और उसको हम सेव कराई जाएंगे, लिख मैंने उल्टा दिया, लिखना ऐसे है अरे की आई लोकेशन के अंदर आपने क्या सेव कराते जाना है, ईच टाइम एन मॉडुलस 2, इससे आपको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारे पास जो एन था वो 5 है, अगर आप देखो नोट करो तो सेकेंड टाइम जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एन हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर हम ये किया करेंगे, ईच टाइम जब लूप चलेगा तो एन को 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, पहले 5 था फिर 2 था फिर 1 हुआ फिर 0 हो गया एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। और लूप की कंडीशन लगा लेंगे जब तक कि वो 0 से बड़ा रहता है, वहां तक चलो बस आगे ना जाओ, ये काम करना है। और उसके बाद हमने इसकी प्रिंटिंग करवा लेनी है रिवर्स ऑर्डर में। ये जो आपकी अरे है ये क्या काम करेगी, ये अरे फ्लेक्सिबल अरे है, इसको हम बाउंड नहीं करेंगे कितनी प्लेसेस है, 10 ले लेते हैं, लेकिन हम इसको चलाते जाएंगे जहां तक कि हमारा ये काम, ये जो वेरिएबल्स जो हमारे रिमाइंडर्स हैं वो सारे इकट्ठे नहीं हो जाते, ठीक है। हियर वी नीड टू डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स, द फर्स्ट वन इज काउंटर जिसको हमने फॉर लूप में यूज करना है, द नेक्स्ट वन इज नंबर एन जो हमने यूजर से लेना है, और थर्ड पे हम एक अरे डिक्लेयर कर देते हैं फॉर 10 प्लेसेस। अब हमने करना क्या है, यूजर को मैसेज देके एक नंबर लेंगे, एंटर अ नंबर टू कन्वर्ट इन बाइनरी, कन्वर्ट इन बाइनरी, शाबाश फॉर माय स्पेलिंग्स, अल्लाह अल्लाह, चलें। उसके बाद हमने स्कैन एफ के थ्रू नंबर जो है वो सेव करना इन परसेंटी टाइप वेरिएबल, और उसका नाम क्या है एन, या एंड साइन भूलना ना मेरी तरह वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने एक फॉर लूप एग्जीक्यूट करना है, आई को हमने स्टार्ट करना है 0 से, ये तो आपको पता है, और हर टाइम आई में जो होती है वो इंक्रीमेंट होती है आई प्लस प्लस, लेकिन जो दरमियान की कंडीशन है ना वो थोड़ी चेंज है, वो हमने आई की बजाय एन को चेक करना है कि वो 0 से बड़ा रहे, ठीक है। एन हमारा क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 को डिवाइड करके बताया ना 2 से रिपीटेडली, तो 5 को डिवाइड करते जाएंगे एंड में आपके पास 0 आ जाएगा, तो हमने 0 से पहले पहले वाला काम करना है, 0 तक पहुंचना नहीं, आगे क्या करना है आई प्लस प्लस, ठीक है। अब करो क्या, या हमें ब्रैकेट्स में लिखना है जो आपका अरे है उसकी आई लोकेशन में आपने सेव करवाते जाना है, क्या सेव करवाना है, ईच टाइम एन को आपने डिवाइड करना है, सिंपल डिवाइड नहीं मॉडुलस डिवाइड करना है 2 के साथ, ताकि हमारे पास रिमाइंडर आते जाए और अरे की लोकेशंस में सेव होते जाए, ठीक है। और हमने एन को भी चेंज करना है, फर्स्ट टाइम हमारे पास एन 5 है तो यूजर ने एंटर किया, उसके बाद तो एन एन वही 5 रहेगा ना, उसके बाद तो वो चेंज होता जाएगा, वो कैसे चेंज होगा, ईच टाइम एन को किस पर डिवाइड करना है हमने 2 पे, यहाँ पे इंटीजर डिवीजन हो रही है, 5 को जब 2 पे डिवाइड किया था तो वो हमारे पास क्या बीच में एंड पे रह गया था जो इंटीजर था 2, ठीक है। चलें जी, उसके बाद हमने यहाँ हमारा काम खत्म हो गया है, हमने इस लूप से बाहर निकलना है और यहाँ पे आपकी जो बाइनरी में कन्वर्जन है वो हो गई और अरे में सेव हो गई है। अब हमने मैसेज देना है प्रिंट ऑफ करके, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज, या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। अगर आपको इसकी लॉजिक क्लियर है ना प्रोग्राम की, फिर प्रोग्राम बनाने में कोई मसला भी नहीं है। यहाँ एक हम फॉर लूप लगाएंगे और इसको प्रिंट कर लेंगे सारी अरे की लोकेशंस को। अब हमने आई को कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, आई को हमने चलाना है आई माइनस 1 से, याद रखिएगा, क्योंकि जब हम फिलिंग कर रहे होते हैं ना अरे में, जैसे भी हम फिलिंग कर रहे हो, आपका काउंटर नेक्स्ट वाली वैल्यू के ऊपर, बेशक उसको खाली हो, अगली प्लेस के ऊपर खड़ा होता है, उसको एक नंबर पीछे लेकर आना है,
आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अरे की फर्स्ट पोजीशन हमारी इसका जीरो थी, जीरो से हम लेके चले थे उसको पहले वाले फॉर लूप में, तो वहीं पे ही हमने उसको लाके रोकना है, और आई माइनस माइनस, ठीक है, रिवर्स, हम रिवर्स चल रहे हैं क्योंकि हमने जो रिमाइंडर होते हैं वो रिवर्स में प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर बाइनरी वैल्यू आती है, या हम प्रिंट कर लेते हैं अरे की सारी लोकेशन, और वो कैसे प्रिंट होंगी, हमारे पास परसेंट डी टाइप की अरे थी और अरे की हर लोकेशन को हम प्रिंट कर लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में चलते हुए, तो हमारे पास क्या पहुंच जाएगा, बाइनरी वैल्यू। लेट्स चेक, ले जी, वो कह रहा है एंटर अ बाइनरी नंबर टू कन्वर्ट इन बाइनरी, मैं 5 दे के देख रही हूँ कि 101 आ रहा है या नहीं, ये देखें सेकंड लाइन में द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन नंबर इज 101, ठीक है, आप इसको 4 से 2 से जिसकी आपको जुबानी याद है आप करके चेक कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए ये सही वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है, वो दे रहा है 100, चलें।